Today I will explain a numerical question from the chapter journal, and this is a numerical question which I will take from your book T.S. Grewal, question number 16. So generalize the following transaction. आपको क्या करनी है, इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना है, ठीक है? तो आपकी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या है, श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट, कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन अ रुपी वॉज रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर. श्याम इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, ठीक है? और जो कंपनसेशन है वो कितना मिल रहा है, 75 पैसा इन अ रुपी, एक रुपये में 75 पैसा मिल रहा है. फॉर फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर ही ओव अस, उसने कितने लिए थे हमसे, 10,000. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, हम ये ऑलरेडी क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो 75 पैसा इन अ रुपी का मीनिंग क्या होता है, कि वो सिर्फ 100% मीन्स उसे 100% अमाउंट कितनी है यहाँ पे 10,000, उस 100% में से टोटल कितना दे रहा है वो 75% ही पे कर रहा है. जब भी ये लाइन आएगी तो आपको सिंपल सी टर्म है याद रखनी है कि आपकी जो एंट्री है वो किस चीज़ की है, बैड डेट्स की, ठीक है? तो यहाँ पे जो हम एंट्री करेंगे, श्याम है कि इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमें सिर्फ 75 पैसा इन रुपी रिसीव हो रहे हैं, ठीक है? बिकॉज इस क्वेश्चन में कोई भी डेट नहीं है तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है. तो आपको क्या एंट्री करनी है, बैड डेब्ट्स, अकाउंट को क्या कर देना है आपको, डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट टू किससे आ रहा है, कौन दिवालिया हुआ है, श्याम, ठीक है? अब हमें टोटल श्याम से लेने थे 10,000, ठीक है? टोटल हमें लेने थे श्याम से 10,000. श्याम 10,000 में से वो कितने पे कर रहा है हमें, सिर्फ 7,500, ठीक है? बाकी जो 2,500 हैं वो एज ए बैड डेट्स हम उसे काउंट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वाली एंट्री आपकी हो जाएगी. तो इस वो अगर टोटल अमाउंट में से इतने पैसा ही पे कर रहा है तो आपको एंट्री क्या करनी होती है, बैड डेट्स की. तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, टोटल बैड डेट्स कितना है 10,000 में से, अगर मैं 75% निकालूं तो 7,500 होगा, सभी बच्चों को आता होगा वो. और जो रिमेनिंग बैलेंस है 2,500 वो पे नहीं कर रहा है, ठीक है? तो उसे हम क्या मान लेंगे, बैड डेट्स, ठीक है? नरेशन क्या होगी, बीइंग आउट ऑफ 10,000 only 75% received as from Shyam. Being out of 10,000 rupees 10,000 only 75 received from Shyam and 2,500 treated as bad debts, ठीक है? ये है सभी को. चलिए अब अगली एंट्री पे जो है हमारी वो क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर. अब लास्ट ईयर जिसका अकाउंट हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था एज ए बैड डेट्स, अब उससे पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है? रिसीव कैश फ्रॉम रमेश वॉज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ, हमने उसका खाता बंद कर दिया था कि अब हमें वो नहीं मिलेंगे पिछले साल, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं करी थी, लेकिन इस साल उसने 5,000 की पेमेंट कर दी. तो कोई भी ऐसा पैसा जो पिछले साल का है, किसी पर्सन से रिसीव हुआ है जो हमने मान लिया था बैड डेट्स है, तो उसको जब वो रिसीव होता है तो हम उसे क्या मान के चलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है? इसे बैड डेट्स नहीं मानना है, इसे बैड डेट्स रिकवर्ड के हेड के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना है. तो जब भी इस टाइप की एंट्री आती है तो हमें एंट्री क्या करनी होती है, क्योंकि कैश आ रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट को आपको क्या कर देना है, डेबिट टू, पर्सन का नाम नहीं लेना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है? कैश आया हमारे पास और दूसरा क्या आया है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. कितना रिकवर्ड हुआ है हमें, 5,000. तो आप यहाँ पे अमाउंट डालोगे 5,000 और यहाँ पे भी कितना डालोगे, 5,000. तो आप नरेशन क्या दोगे, बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है? ये है सभी को. तो कितना की रिकवर्ड हुआ है, 5,000, ठीक है? जो चीज़ आ रही है उसे आपको डेबिट कर देना है. और किस चीज़ से आ रही है, बैड डेट्स रिकवर्ड से, हमने बैड डेट्स रिकवर्ड
आपको क्रेडिट कर दिया। तो बैड डेट्स की रिकवर्ड की एंट्री आपको ऐसी करनी होती है। अगली एंट्री है हमारी रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। अब पहली चीज़ तो ये, लैंडलॉर्ड किसे बोलते हैं, मकान मालिक को लैंडलॉर्ड बोलते हैं। तो मकान मालिक को किराया बकाया है, कितना किराया बकाया है, 8,000। तो जो चीज़ बकाया होती है, तो चार कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड और एक्यूट। तो उसमें से ही एक टर्म है ये, जो ड्यू है उसको क्या बोलोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई रेंट आउटस्टैंडिंग होगा तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, याद है सभी को? नहीं याद है तो चलो बता देती हूँ मैं। जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, क्योंकि वो पे नहीं किया जाता है, वो बकाया होता है, ठीक है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, वैसे नॉर्मल होती है हमारी एंट्री अगर पे करते तो रेंट टू कैश, ये एंट्री होती है। अगर पेमेंट हो रही होती है तो हम एंट्री क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर बकाया है तो कैश की जगह आपको क्या लिख देना है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना बकाया है हमारा, 5,000 आप डेबिट साइड लिख दोगे और 5,000 क्रेडिट साइड, ठीक है। और ये पैटर्न आपको चेंज नहीं करना है, आपको इतना स्पेस रखना है, और ये क्रेडिट वाले कॉलम में, ये डेबिट वाले कॉलम में, डेबिट वर्ड जरूर यूज करना है, ठीक है। बीइंग रेंट ड्यू। अगली एंट्री है हमारी फोर्थ एंट्री, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। अब यहाँ पे तो था मकान मालिक को, अब यहाँ पे जो ड्यू है वो क्या है, सैलरी ड्यू है। किसको है, स्टाफ को। स्टाफ को सैलरी देनी अभी बाकी है, बकाया है। तो वैसे ही सेम एंट्री होगी, बस रेंट की जगह हमें क्या लिख देना है, हमें लिख देना है सैलरी, अकाउंट को कर देना है डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। कितना है हमारा बकाया, यहाँ पे अमाउंट गिवन है, हमारी अमाउंट है यहाँ पे 10,000। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 10,000, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप, 10,000। बीइंग सैलरी ड्यू टू स्टाफ, ठीक है, क्लियर है सभी को, आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्लेस एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,00,000। हमने एक ऑर्डर पास किया है किसको, राकेश को, कि वो कुछ गुड्स जिनकी कॉस्ट है, जिनका लिस्ट प्राइस की अमाउंट है 1,00,000, हमें सप्लाई करे, 1,00,000 की कीमत की गुड्स हमें सप्लाई करे, ठीक है। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। देखिए, एक ऑर्डर प्लेस किया गया है, ठीक है, विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, एक ऑर्डर प्लेस किया गया है गुड्स सप्लाई करने का 1,00,000 का। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक, ठीक है। और इन दिस कनेक्शन में आपको क्या पे करना है, चेक पे करना है। तो पहले एंट्री समझ लो कि जब भी कोई ऑर्डर दिया जाता है तो ऑर्डर की कभी भी एंट्री या जनरल एंट्री नहीं की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। सभी बच्चों को याद रहेगा, जब भी कोई ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो उस ऑर्डर की कभी भी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन नहीं हुई है अभी तक। सिर्फ एक ऑर्डर दिया गया है कि आपको 1,00,000 की गुड सप्लाई करनी, लेकिन एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुई नहीं है। बट यहाँ पे एक और लाइन साथ में ऐड की गई है, इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। और इस 1,00,000 की गुड सप्लाई के लिए जो रमन है, ये परचेज कर रहा है किससे, राकेश से, पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एन एडवांस। इस लिस्ट प्राइस का जो 10% कितना आएगा आपका, 10,000। अगर हम 1,00,000 की लिस्ट प्राइस की अमाउंट का 10% निकालें तो 10,000 आएगा, वो एडवांस में पे कर रहा है बाय चेक। तो क्योंकि एडवांस पे कर रहे हैं, हम इसकी एंट्री करेंगे, लेकिन जो 1,00,000 को की गुड्स सप्लाई करने की बात हुई है वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। कभी भी ऑर्डर प्लेस करने की एंट्री आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करोगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो आपकी क्या होगी, एडवांस। देखिए, जब भी किसी पर्सन को हम कुछ कैश पे करते हैं तो हम एंट्री करते हैं, उस पर्सन को डेबिट कर दिया टू, हमने चेक दे रहे हैं तो बैंक, कैश दे रहे तो कैश। लेकिन यहाँ पे कोई कैश तो दिया गया है, किसको दिया गया है, राकेश को। तो यहाँ पे आपको लिखना है एडवांस टू राकेश, ठीक है,
तो जब भी कोई एडवांस हम देते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, एडवांस टू राकेश डेबिट टू, बिकॉज हम चेक पे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे चेक की जगह आपको क्या ट्रांजेक्शन क्रेडिट करनी है, बैंक अकाउंट, क्लियर। तो आपको यहाँ पे अमाउंट पुट करनी है, दैट इज 1 लाख का 10% आ जाएगा आपका 10,000, क्लियर। देन नरेशन, बीइंग पे एडवांस चेक टू राकेश, क्लियर। जब भी कोई याद रहेगा, जब भी कोई ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करनी है, क्लियर। क्योंकि इस कंडीशन में एक एडवांस चेक पे किया गया था, सिर्फ उसी एडवांस चेक की यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन करनी है, दैट इज 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3600 टू संजय, इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। एक गुड सप्लाई की गई है, कॉस्टिंग रुपीज कितनी 3600 की। पहले तो वर्किंग नोट्स समझ लो अच्छे से। गुड सप्लाई की गई है, कॉस्ट कितनी है हमारे पास 3600 की, किसको करी गई है, संजय को। इश्यूड इनवॉइस एट अ 20% अबव कॉस्ट गुड सप्लाई की गई है संजय को, जो कि कितनी है 3600, और ये जो सप्लाई की गई है वो 20% अबव कॉस्ट पे, मीन्स कॉस्ट से 20% अबव लिया गया है, ठीक है, और लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको करना क्या है, 3600 का पहले आपको 20% कैलकुलेशन करनी है, ये क्या आ जाएगा आपका 20% 3600 का, ठीक है, प्लस 720 ठीक है, तो आपकी अमाउंट क्या आ जाएगी ये। आफ्टर दैट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट भी पुट करना है, तो जब भी गुड सप्लाई की जाती है तो अगर आपको बोला गया है कि इनवॉइस प्राइस, मीन्स ये आपका जो इनवॉइस प्राइस बिल की अमाउंट है 3600 20% अबव कॉस्ट से, तो पहले आप उस कॉस्ट पे 20% ऐड करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है 720 20% जो हमने कैलकुलेशन करी थी, उसको ऐड करने के बाद जो हमारी अमाउंट आई है वो कितनी आई है 4320, क्लियर। अब आगे क्या बोला गया है आपको, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इस कॉस्ट पे यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया है, 10% TD, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट है 4320, 10% आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी 432, ये क्या है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब हमारी एक्चुअल में अमाउंट कितनी है 4320 माइनस जो हमने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करा है, जो कि कितना है 4302, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो आपकी अमाउंट आएगी ये। अब चलते हैं जनरल एंट्री पे, सभी को समझ में आ रहा है, एक बार रिपीट कर रही हूं, हमने संजय को कितनी कॉस्ट प्राइस का सामान बेचा था 3600 का, उसको हमने 20% अबव कॉस्ट पे सेल किया था, तो 3600 पे पहले आपको क्या कैलकुलेशन करनी है 20% जो भी डिस्काउंट दिया गया है, जो भी अबव कॉस्ट दी गई उसको कैलकुलेट करना है, जो कि कितना आएगा 720, तो 3600 में 720 ऐड करने के बाद जो अमाउंट आई है वो कितनी आई है 4320, और आफ्टर दैट उन्होंने बोला है कि जो भी अमाउंट आएगी उसको कॉस्ट प्राइस से 10% लेस ट्रेड डिस्काउंट पे देना है, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आई है उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद हमारा ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है 4,432, ठीक है। आफ्टर दैट आपको जो भी एक्चुअल में अमाउंट हमने कैलकुलेट करी थी उस अमाउंट में से आपको वो डिस्काउंट लेस कर देना है, और उसको लेस करने के बाद जो हमारी एक्चुअल अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी 3,888, ठीक है। अब ये एक चीज है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को आपको अपनी ट्रांजेक्शन में शो नहीं करना है, ठीक है, कभी भी नहीं शो करना है इसको। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे किसको सेल कर रहे हैं, सप्लाइड गुड कॉस्टिंग रुपीज संजय, ठीक है, इश्यूड इनवॉइस एट अ
अबव कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे संजय को सेल किया गया है और साथ में कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमने कैश पे किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो रिसीवर कौन है यहाँ पे, संजय, संजय को कर दो डेबिट, ठीक है। अब संजय के पास क्या जा रहा है, गुड्स जा रही है, तो हमें क्या करना है, सेल्स अकाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट। संजय के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, तो संजय को डेबिट कर दो टू सेल्स अकाउंट। अब मैंने क्योंकि बताया है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपको शो ही नहीं करना होता, और जो अबव कॉस्ट होती है उसको भी आपको शो नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी कहाँ जाएंगी, वर्किंग नोट्स में। तो एक्चुअल में हम कितने का सेल कर रहे हैं, 3888, और यहाँ पे भी अमाउंट आ जाएगी 3888, ठीक है। अब नरेशन में थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय एट 20% अबव कॉस्ट एंड लेस 10% टीडी या ट्रेड डिस्काउंट, क्लियर। और आपको वैसे ही लिखना है यहाँ पे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है और उस फॉर्मेट के अंदर ही आपको अपनी जनरल एंट्री लिखनी है, क्लियर है सभी को। तो ये था आपका लास्ट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास राइट नाउ, थैंक यू सो मच।